अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे एंड विद अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जिसका नाम है मैगी पॉप, और ये हाई टी के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे पोटैटो हैं वो बॉयल करके मैश कर लिए हैं। 4 और 5 तकरीबन मैंने आलू लिए थे, और यहाँ 1 कप मैंने चिकन जो है बॉयल करके श्रेड कर ली है, और यहाँ पे मैंने ली है मैगी 1 अदद, उसको भी बॉईल करके उसका जो पानी था वो मैंने स्क्वीज़ करके मैगी ले ली है बस। और यहाँ देखें, यहाँ कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसको मैं फेंट लूँगी। और मसालों में मैंने लिए लाल कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, मैगी मसाले का साचा पूरा 1 अदद, और हरी मिर्चें यानी कि बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो कम है, अगर आप बड़े हैं और हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ, और बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं घर में। तो चले मैं आपको रेसिपी देती हूँ ब्रेड क्रम्स ईजीली बनाने के। तो यहाँ पर देखें, जूसर मशीन में मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड के डाल के इसको बारीक पीस लिया है, और अब मैं इस तवा बिल्कुल धीमी आँच पर गर्म करके, और जितने भी ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए हैं उसको मैं 1 मिनट तक सेक लूँगी। चले मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इस तरह। और मुस्तकिल स्पैचुला चलाते रहना है आपको, ताकि हमारे ब्रेड क्रम जले नहीं, जब तक के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी ये तरीका कर सकते हैं। बहुत झटपट गाइस ब्रेड क्रम्स हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं, सेम एज़ बाज़ार की तरह जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और आप इसको 1 मंथ के लिए ईजीली स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ मैंने हसबे ज़ायका नमक लिया है, क्योंकि नमक मैंने कम ही लिया है, क्योंकि हमारी जो मैगी की साशा है उसमें भी नमक ऑलरेडी होता है। चले हम यहाँ मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने पोटैटो मैश किए थे वो अब मिक्सिंग बॉल में मैं अब डाल रही हूँ, और चिकन श्रेडेड है अब वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अब जो मैंने मैगी बॉयल की थी गाइस, अब मैंने वो मैगी ऐड कर दी है, और जितने भी मैंने आपको मसाले बताए थे, हरा धनिया और ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, मैगी मसाला, नमक और हरी मिर्चें, तो गाइस अब मैं वो सब यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और इसको मैं खूब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारे सारे जो मसाले हैं वो हमारे मिक्सचर में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। चले मिक्स करते हैं। तो जी, हमने अपना मिक्सर मिक्स कर लिया है, अब हम यहाँ पे बॉल्स बना रहे हैं मैगी पॉप की। तो देखें, जैसे हम कोफ्ता बनाते हैं ना घर में, उस साइज़ के हमें मैगी पॉप बनाने हैं। तो गाइस देखें, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इसी तरह सेम आपको बनाने हैं। तो चलें सब रेडी करते हैं, फिर आपसे आपको दिखाते हैं। तो जी, सारे मैगी पॉप तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक अंडे में कोट करके मैगी पॉप को और ब्रेड क्रम्स में कोट कर दूंगी। तो गाइस इसी तरह सारे मैगी पॉप को आपको करना है। तो जी, मैं आपको सारे करके दिखाती हूँ। तो देखें, सारे मैगी पॉप्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ शाश्ली के स्टिक्स हैं, जो कि इजीली मिल जाती हैं मार्केट में। और देखें, मैं इसको यहाँ पे बीच में से कट करके और बिल्कुल स्मॉल साइज़ के स्टिक बना लूँगी, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो लास्ट में मैं इनको मैगी पॉप पर लगाऊँगी। तो गाइज़, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मैगी पॉप के लिए सॉस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया था, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज ली थी, और 2 ही टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ली थी।
इन तीनों को ऐड करके इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो ऐड कर दे दी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा जितना भी आप चटपटा खाते हैं। तो बस ये देखिए हमारी झटपट सी इजी सॉस रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे शैलो फ्राई किया था। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके जो हमारे मैगी पॉप्स थे वो मैंने डाल दिए थे सारे। और आपको तो पता है सब कुछ पका हुआ है, यानी कि हमारे पोटैटो भी बॉयल हैं, चिकन भी बॉयल है और मैगी भी बॉयल है। बस हमें यहाँ पे ब्राउन कलर दे रहा है और धीमी आंच पे बनाना है ताकि हमारी जो मैगी पॉप्स हैं वो क्रिस्पी बने और जले ना, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आए, खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ देखिए मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी थी क्योंकि ये इवनिंग का टाइम था। और बस एज अ स्नैक मैंने अपने बच्चों को ही बना के दिया था। बहुत ज़बरदस्त बने थे गाइस, बहुत अच्छे लगे थे। देखिए यहाँ कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और जो शाश्ली की स्टिक मैंने कट कर ली थी वो यहाँ अब मैं मैगी पॉप पे लगा रही हूँ। तो जी हमारे यहाँ पे मैगी पॉप रेडी हो चुके हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो यहीं पे करते हैं आज का ब्लॉग एंड। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।